गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं तुम लोग के सामने नेक्स्ट लेसन के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। वह लेसन है आपका द विकेट बार्बर्स पिलाइट, दुष्ट हजाम की स्थिति। एक दुष्ट हजाम था अकबर के शासन में, उसकी क्या स्थिति हुई यह बात की चर्चा इस लेसन में किया गया है। वी ऑल नो दैट बीरबल वाज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस। हम लोग सभी जानते हैं कि बीरबल अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। ही वाज वन ऑफ द 9 जेबल्स इन एम्पेरर अकबर कोर्ट। वे अकबर के दरबार, अकबर के सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। सम्राट अकबर के 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में एक बीरबल का भी स्थान आता है। ही वॉज नॉट ओनली एम्पेरर अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर। वह न केवल सम्राट अकबर के फेवरेट मिनिस्टर थे, लोकप्रिय मिनिस्टर थे, बट एल्सो डियरली लव्ड बाय मोस्ट ऑफ द कॉमनर्स। बल्कि उनको बहुत आदरपूर्वक अधिकांश कॉमनर्स से, सामान्य लोगों कॉमनर्स से, सामान्य लोगों से प्यार किया जाता था। सिर्फ राजा ही उसे प्यार नहीं करते थे, बल्कि अन्य जो सामान्य लोग थे उसे भी, वह भी बीरबल से प्यार करते थे। बिकॉज ऑफ हिज विजडम, उसके उनके बुद्धि के चलते। उनकी इतनी प्रतिभा थी, उनकी ऐसी बुद्धि थी जिसके चलते सामान्य लोग भी बीरबल से प्यार करते थे। ही वाज इमिनेंट फॉर हिज आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज। वे प्रसिद्ध थे अपनी समझदारी के लिए, एंड दैट इज व्हाई द पीपुल यूज टू कम टू हिम फ्रॉम फार एंड वाइड फॉर एडवाइस ऑन पर्सनल मैटर टू। और यही कारण था, एंड दैट इज व्हाई द पीपुल यूज टू कम टू हिम, लोग आया करते थे उनके पास फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दराज से। किस लिए? फॉर एडवाइस, सलाह के लिए। ऑन पर्सनल मैटर टू, व्यक्तिगत मैटर के लिए। दूर दराज से भी लोग आते थे और उनका सलाह लेते थे। हाउएवर देयर वाज ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, फिर भी मंत्रियों का एक दल था। देयर वाज ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हु वेयर जीलियस ऑफ हिज ग्रोइंग पॉपुलरिटी एंड ऑलवेज वांटेड टू लेट हिम डाउन। फिर भी देयर वाज ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का एक समूह था जो हमेशा उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करते थे। दे आउटवार्डली स्वेरेड हिम विथ प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट, बट इंटरनली दे ऑलवेज मेड प्लान टू डिफेम और टू किल हिम। वे ऊपरी रूप से दिखाते थे उसे, प्रशंसा करते थे एंड कॉम्प्लीमेंट्स, और उसकी बात में हाँ मिलाते थे, बट इंटरनली, लेकिन अंदर से
वे हमेशा उसे नीचा दिखाने या जान से मारने की कोशिश करते थे। वे हमेशा चाहते थे कि किसी न किसी तरह से इसे नीचा दिखाया जाए या फिर जान से मार दिया जाए। वन डे दे थॉट आउट ए प्लान टू गेट राइट ऑफ बीरबल। एक दिन उन लोगों ने बीरबल से छुटकारा पाने की योजना बनाई। सो दे अप्रोच द एम्परर्स बार्बर विथ ए प्लान। इसलिए उन लोगों ने राजा के हजाम के पास एक योजना से पहुंचा। तो कुछ क्वेश्चन भी आप लोग पहले हम डाल देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, हूँ बाज बीरबल। पहला क्वेश्चन, हूँ बाज बीरबल। Why did the people from far and wide come to him? और अब आगे देखेंगे। सो दे अप्रोच द एम्परर बार्बर विथ ए प्लान। इसलिए वे सम्राट के पास में, सम्राट के जो बार्बर था उसके पास में एक योजना से आए। एज द बार्बर वाज एक्सट्रीमली क्लोज टू द एम्परर, चूँकि हजाम राजा का अत्यंत नज़दीकी था, दे आस्क्ड हिम टू हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ बीरबल परमानेंटली। उन लोगों ने उससे कहा, उन लोगों को मदद करने के लिए उन लोगों ने उससे अपने को मदद करने के लिए कहा, बीरबल से अस्थाई रूप से छुटकारा पाने हेतु, परमानेंटली अस्थाई रूप से बीरबल से छुटकारा पाने हेतु उन लोगों ने हजाम से बोला। एंड ऑफ कोर्स दे प्रोमिस्ड हिम ए ह्यूज सम ऑफ मनी। और सचमुच में उन लोगों ने उससे वादा किया एक बहुत बड़ी रकम देने के लिए इन रिटर्न, इसके बदले में उन लोगों ने बार्बर से वादा किया कि यदि तुम मुझे बीरबल से छुटकारा दिला दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छी खासी रकम दूंगा, मैं तुम्हें एक अच्छी खासी रकम दूंगा। मैं तुम्हें एक अच्छी खासी रकम दूंगा। एज द बार्बर बाज, हाँ, एक अच्छी खासी रकम दूंगा। द बार्बर बाज एल्सो जीलियस ऑफ बीरबल। बार्बर भी बीरबल से बहुत जलता था। एंड सो ही रेडली एग्रीड, और इसलिए वह भी तुरंत सहमत हो गया। सो ही रेडली एग्रीड, और इसलिए वह भी तुरंत सहमत हो गया। एंड सो ही रेडली एग्रीड, और इसलिए वह भी तुरंत सहमत हो गया। द टाइम केम सून व्हेन द एम्परर रिक्वायर्ड द बार्बर सर्विस।
समय शीघ्र आ गया जब राजा को हजाम की सेवा की जरूरत हुई। सो द बार्बर रीच द पैलेस, इसलिए हजाम राजा के महल में पहुंचा। देयर ही स्टार्टेड ए कन्वर्सेशन, जहां पर कि उसने एक वार्तालाप शुरू किया विथ द एम्पेरर अबाउट द एम्पेरर्स फादर, राजा के साथ राजा के पिता के बारे में, हुम ही इज टू सर्व, जिसको कि वह सेवा किया करता था, जिसको कि वह सेवा किया करता था। व्हाट डिड, क्वेश्चन नोट कर लेंगे, व्हाट डिड द जीलियस मिनिस्टर डू टू किल बीरबल, क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। ही सैंग प्रेज फॉर हिज फाइन स्किली स्मूथ हेयर, ही सैंग प्रेज ऑफ हिज फाइन, उसने गाना गाया उसकी सुंदर और सिल्की स्मूथ हेयर के लिए। एंड देन एज ए स्मॉल कम्युनिकेशन, और तब एक छोटी सी वार्तालाप में, एंड देन एज ए स्मॉल कम्युनिकेशन ही आस्क्ड द एम्पेरर एज ही वाज एंजॉयिंग सच ग्रेट प्रोस्पेरिटी, उसने राजा को कहा जैसा वह आनंद ले रहे थे बहुत ज़्यादा उन्नति का, हैड ही मेड एन अटेम्प्ट टू डू एनीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज एंसेस्टर, कि क्या आप अपने प्रजा के क्या अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कुछ किए। इसी बीच उसने इस प्रकार का क्वेश्चन डाल दिया। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हजाम जो है बीरबल के प्रति षड्यंत्र रचने में मशगूल है, और राजा साहब को मीठी मीठी बातों से उनके दिल को जीतने की कोशिश कर रहा है। और फिर हम शेष भाग को अगले दिन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें। थैंक यू।